Good morning, students. Welcome to Fly High Smart Tuition. तो आज हम population का second part को cover करेंगे. पहले part में हमने समझा था कि population का size क्या है और उसका distribution कैसा है. हमारे country में खासकर एक particular Indian perspective को देखते हुए हमने देखा कि किस तरीके से population हमारे country में distributed है, different different states में भी. और इंडिया का पोजीशन इन द इंटायर वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया कवरेज के बारे में समझा था. दूसरा फिर हमने समझा कि पॉपुलेशन आखिर बढ़ता कैसे है. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब या एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ पॉपुलेशन के टर्म्स में, एंड किन किन कारणों से पॉपुलेशन में चेंजेस आता है. अब लास्टली इस टॉपिक में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन. अगेन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर से लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखें. सो क्वालिटीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द एज कम्पोजिशन. अगर एज कंपोजिशन को हम देखें तो इसको हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का जो एज का कैटेगरीज है वो डिसाइड करेगा या वो इन्फ्लुएंस करेगा कि यहाँ पे कैसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरतें हैं. अगर बहुत सारे बच्चे हैं इस कंट्री में, इसका मतलब बेबी प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलेगा. यंगस्टर्स हैं तो बुक्स, स्पोर्ट आइटम्स, इस तरह की चीज़ें चलेंगी. बेवरेजेस चलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकेंगे ज़्यादा. अगर बूढ़े लोग हैं तो मेडिसिन ज़्यादा, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे. सो एज कंपोजिशन ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि वहाँ के लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं. तो तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ. तो पहला कैटेगरी हो गया चिल्ड्रन विच आर बिलो 15 ईयर्स. अब जो बच्चे होते हैं 15 साल के नीचे वो जनरली इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी वो कोई काम नहीं करने वाले, वो कोई काम नहीं कर सकते. ऑब्वियसली हमारे कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं विच इज़ इलीगल. अदरवाइज अगर लीगली बात करें तो ये अनप्रोडक्टिव है, ये हमारे कंट्री के GDP में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करते. बल्कि इन्हें हमें फूड देना है, खाना देना है, कपड़ा देना है, रहने के लिए जगह देना है, एजुकेशन देना है और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है इन बच्चों को, ताकि ये एक बेटर फ्यूचर बना सके. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है. ये अभी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, मगर फ्यूचर में यही हमारा एक एसेट होगा, यही हमारे कंट्री को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करेगा. दूसरा एज ग्रुप हो गया वर्किंग एज ग्रुप विच इज़ बिटवीन 15 to 59 ईयर्स. ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, यही काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बार चलाते हैं, घर के सभी सदस्यों के लिए रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करते हैं, दवाई वगैरह सब चीज़ का यही इंतज़ाम कर रहे हैं. दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो है बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव. तो ये रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, ये पॉपुलेशन को फर्दर बढ़ाने में हेल्प करेगा. और पॉपुलेशन का ग्रोथ होना किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन कैसा होगा, क्योंकि यही अपने बच्चों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी देंगे, यही अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम देंगे. अगर ये बच्चों के ऊपर हेल्थ के ऊपर या उनके एजुकेशन के ऊपर या उनके कल्चरल और डिसिप्लिन के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन है और इसको हम बहुत अच्छे से इसको हमें टारगेट करना चाहिए या समझना चाहिए, क्योंकि इनका नीड्स एंड डिमांड्स भी बहुत वैरी करता है. ये एकदम यंग लॉट है. तीसरा हो गया एजेड अबव 59 ईयर्स. ये एक ऐसा लॉट है, ये भी हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये किसी भी पॉलिसी को बेटर बनाने में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. ये शायद फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हो सके, इनको मेडिसिन बहुत लगता है, मेडिकल हेल्थ केयर चेकअप ये सब रेगुलर रखना पड़ता है, मगर अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नेशन को बिल्डअप करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इकोनॉमिकली ये अनप्रोडक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये रिटायर हो चुके होते हैं और ये कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं.
दूसरा एज कंपोजिशन के बाद हम बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. हर 1000 मेल में कितने फीमेल्स हैं. और ये हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम रहा है, शुरू से ये नंबर जो है ये मेल्स के फेवर में रहा है, यानी फीमेल्स का परसेंटेज या नंबर हमेशा कम रहा है. कुछ स्टेट्स को छोड़ के केरला में देखा जाए तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो 1058 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स. यहाँ पे फीमेल्स आगे हैं. पौंडीचेरी में देखा जाए तो 1001 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. मगर वही अगर दिल्ली हरियाणा इन स्टेट्स में देखेंगे तो ये काफ़ी कम हो जाता है, इट इज़ जस्ट 821 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये सेक्स रेशियो बैलेंस्ड रहना चाहिए. अगर ये बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो भी ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसीलिए आजकल गर्ल चाइल्ड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है कि उनको ये सर्टेन फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, उनका एजुकेशन के लिए सरकार खर्च उठाएगी ताकि सेक्स रेशियो को मेंटेन किया जा सके. लिटरेसी रेट और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर पॉपुलेशन पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल्ड नहीं है और समझदार नहीं है तो वो सभी गलत डिसीजंस लेगा जो कि ओवरऑल कंट्री को इफ़ेक्ट करेगा. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी पॉपुलेशन के लिए. अगर किसी भी कंट्री का सिटीज़न इन्फॉर्म्ड है, एजुकेटेड है, तभी वो एक सही चॉइस कर सकता है, तभी वो एक सही डिसीजन ले सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करके न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकता है. तो 2001 सेंसस के हिसाब से लिटरेट पर्सन उनको कहा जाता है जो कि अ पर्सन एज्ड 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट. तो कोई भी इंसान जो कि 7 साल या 7 साल से ऊपर का है और वो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है तो उसे हम लिटरेट कहते हैं. और इस लिटरेसी रेट में हमारे कंट्री में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, काफ़ी लोग पढ़ लिखना शुरू कर दिए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के वजह से हो रहा है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स है या जो पॉपुलेशन है वो कहाँ काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में वो ज़्यादातर इंगेज्ड हैं, उनको जॉब कहाँ से मिल रहा है. अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ के ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ऑक्यूपाइड हैं, खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं. मगर जब हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादातर ऑक्यूपाइड होता है. तो पॉपुलेशन किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन कर रहा है उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ऑब्वियसली हम पहले से जानते हैं कि ऑक्यूपेशन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है या फिर टर्शरी भी हो सकता है, जो कि सर्विस इंडस्ट्री हो गया जिसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. तो मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग है. डेवलपिंग नेशन में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, जबकि टर्शरी सेक्टर के लोग डेवलप्ड नेशंस में आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा स्किल्ड है. एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, हम भी चाहते हैं कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में काम करें और वहाँ पे इंगेज्ड हो. फिर आ गया हेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ इन फैक्ट एवरीथिंग. अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है तो वो एक बोझ है किसी भी कंट्री के लिए. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया या क्वालिटी हो गया किसी भी पॉपुलेशन के लिए. और गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स लगा रही है ताकि हमारा पॉपुलेशन हेल्दी हो. अब हमारे पास बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ बन गए हैं, अच्छा चैनल्स बन गया है, जिससे कि काफ़ी हद तक हमने डेथ रेट को कम कर दिया है. मेडिसिंस वगैरह प्रोवाइड करके, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके और डिजीज से फाइट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला के, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ये सब क्लीनलीनेस ड्राइव चला के इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं ये सबको गवर्नमेंट हटाने की कोशिश कर रही है. डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पब्लिक सैनिटेशन को वो डेवलप कर रही है, गुड हैबिट्स को वो डेवलप कर रही है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात कर रही है, इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बात कर रही है. जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में आते जा रहे हैं, अब हमारा कंट्री तो हम बोल सकते हैं एक मेडिकल हब जैसा बन गया है, जहाँ पे एक सस्ता
और अच्छा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। फॉरेन से लोग सस्ते इलाज के लिए और अच्छे इलाज के लिए हमारे कंट्री में आते हैं। तो इस तरह का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में हेल्थ सेक्टर में, मगर फिर भी ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न अभी भी हमारे कंट्री के लिए है, क्योंकि अगर इंसान बीमार रहेगा तो वो ना तो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बल्कि उसके ऊपर इलाज में, समय पर, दवाई में, ये सब चीज़ पे उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। जब वो काम करना चाहिए तब वो बिस्तर में बीमार पड़ा हुआ है, उसके ऊपर दवाई खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, चार लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत बड़ा लोड पड़ता है। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और अभी की सरकार इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, पब्लिक हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस पे, क्योंकि हमारे कंट्री में इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और उससे फाइट करना है तो अपने कंट्री को क्लीन एंड नीट रखना पड़ेगा। अभी भी हमारे कंट्री में काफ़ी लोग भूख से मरते हैं, पर कैपिटा कैलोरी इनटेक काफ़ी कम है रिकमेंडेड लेवल से, कि एवरेज कैलोरी इनटेक 2700 से 3500 किलो कैलोरीज होना चाहिए एवरेज में, तो ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कम है, 900 से 1200 का एवरेज पड़ता है जैसा कि मुझे मालूम है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम अभी भी हमारे कंट्री में है, और बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज़, लोग कहीं पे भी थूक देते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सड़क पे थूक देते हैं, अभी भी नाला गंदा रहता है, उसमें मच्छर भरे रहते हैं, इस तरह का पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में अभी भी। तो बेसिक सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम है, अब तो बहुत सारे वॉशरूम्स बनते जा रहे हैं, गांव-गांव में ये फैसिलिटीज़ बनाए जा रहे हैं ताकि लोग खुले में शौच नहीं करें या बाथरूम ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मेजर पॉलिसीज़ बनाए हैं और नाउ इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। ये अब हम जो टॉपिक बात करेंगे ये हो गया एडोलेसेंट पॉपुलेशन का, ये एक बहुत ही यंग और डायनामिक पॉपुलेशन हो गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ है, और अगर इस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो ये पूरे कंट्री को तबाह कर देगा, और अगर इस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में डालेंगे तो ये कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करेगा, अगर इसको हम सही डायरेक्शन में डालेंगे तो ये डिफेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, और अगर ये गलत डायरेक्शन में चला गया, ड्रग्स में चला गया, कि ड्रग्स वाले फैसिलिटीज़ में चला गया, अल्कोहलिक हो गया और स्मोकिंग में चला गया, तो बीमार हो जाएगा और ये सोसाइटी में ट्रबल क्रिएट करेगा। ये एज ग्रुप हो गया 10 to 19 ईयर्स, विच इज़ द टीनेज पॉपुलेशन एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो वी नीड टू इंश्योर एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस पॉपुलेशन, क्योंकि यही बिल्डअप करेगा सोसाइटी को और नेशन को। तो सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, एक कम्प्रीहेंसिव फैमिली वेलफेयर प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, जिसके तहत उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि फैमिली प्लानिंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो इससे हमारे कंट्री का ओवरऑल हेल्थ और वेलफेयर बढ़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने में हेल्प मिलेगा। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक पेरेंट के 7-8, 8-10 बच्चे होते थे, अब वो 7-8 बच्चों को एक तो ठीक तरीके से पाल नहीं पाते थे, सभी को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते थे, सभी को अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते थे, और वो इंडिविजुअल हेल्थ में बहुत हैम्पर करता था। मगर जब से ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम बना है, हम दो हमारे दो, इससे दो ही बच्चे हो रहे हैं किसी फैमिली में, और उनको प्रॉपर एजुकेशन भी मिल रहा है, पेरेंट्स के पास इतना फंड है या पैसा है कि वो उनको बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं और वो एक हेल्दी लाइफ भी जी पा रहे हैं। NPP प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि 14 साल तक के हर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा दिया जाए 30 के नीचे भी पर 1000 लाइव बर्ड्स, पुराने ज़माने में जब होता था बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत सारे बच्चे मर जाते थे क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होता था, घर के लोग ही बच्चे को डिलीवर करने में हेल्प करते थे, तो वहाँ प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता था और काफ़ी डेथ रेट होता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस समय बहुत हाई था, अब ये घट के 30 हो गया है और गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको 30 के नीचे लाया जाए।
achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases. वैक्सीनेशन को खूब प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर कर रही है, अमिताभ बच्चन उसके लिए प्रमोशन कर रहा है पोलियो के अगेंस्ट में, टीबी के अगेंस्ट में, कि भैया वैक्सीन लीजिए, रेगुलर वैक्सीन लीजिए और सभी बच्चों को हम पोलियो मुक्त, देश को पोलियो मुक्त और टीबी से मुक्त करें। तो इस तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चला रही है, ये भी एक उनके पॉलिसी में है, फ्रेमवर्क में है। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, पुराने ज़माने में चाइल्ड मैरिज हो जाता था, अब प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं, गर्ल्स के मैरिज एज को 18 ईयर्स के ऊपर ही किया जाए, ताकि गर्ल जो है वो फिट रहे, हेल्दी रहे और एजुकेटेड रहे, ताकि वो जब दूसरे बच्चे को जन्म देगी, जब वो अपने बच्चे को जन्म देगी तब वो उसका ठीक से ध्यान रख सकेगी, खुद एजुकेटेड रहेगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेगी, खुद हेल्दी रहेगी तो अपने बच्चे का ध्यान भी रख पाएगी। जब पहली शादी हो जाती थी तो क्या होता था कि बच्चे भी जल्दी होते थे और उस समय वो बच्ची रहती है, वो माँ खुद भी बच्ची रहती है और वो खुद भी एजुकेटेड नहीं है, उसके हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता था। मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, तो ये NPP 2000 का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे दो हों, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाया जाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए, चाइल्ड मैरिज को बैन किया जाए। NPP 2000 हैज़ आइडेंटिफाइड एडोलेसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट लेज एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये क्या क्या फैक्टर्स है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर बच्चों को फूड इनटेक अच्छा होगा, उनका कैलोरी इनटेक अच्छा होगा तो वो हेल्दी रहेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, तो इस तरह के जो डेडली डिजीजेस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, उसके बारे में इस एडोलेसेंट पॉपुलेशन को एजुकेट किया जाए। मैरिज का जो एज है उसको डिले किया जाए और चाइल्ड बियरिंग एज को भी डिले किया जाए, क्योंकि माँ उस समय हेल्दी और स्वस्थ रह सके। ताकि एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के वजह से जो HIV का जो बीमारी फैला था अभी कुछ साल पहले पूरे वर्ल्ड में, जिससे काफ़ी लोग अफेक्ट हुए थे, तो अब ये काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज अब पीपल हैव बीन एजुकेटेड अबाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कि उससे क्या क्या हार्म होता है। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल, तो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, ताकि चाइल्ड बियर जल्दी नहीं हो या लोग प्रिकॉशंस ले सके जब तक वो मेंटली एंड फिजिकली तैयार नहीं हो एक नई लाइफ को इस प्लैनेट में लाने के लिए, तब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, और उसको चीप बनाया गया है और अफोर्डेबल बनाया गया है ताकि लोग उसको अवेल कर सकें। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, तो इस तरह के डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं और इन फैक्टर्स पे जोर दिया गया है ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन बन सके। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, और एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन ही एक कंट्री के लिए स्ट्रेंथ या पावर बन सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये हेल्दी थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, इसीलिए ये हमारे कंट्री के बहुत ही फेमस लोग बन पाए, इन्होंने हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प किया। तो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं हर कंट्री के लिए। सो ये था बेसिकली ये चैप्टर, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड वंस अगेन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।